नमस्कार, आप देख रहे हैं आरलाइन भारत। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला रफ्तार में। साल 2023 के पहले रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त भर्ती के लिए बांटे 71,000 नियुक्ति पत्र। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 का गाजीपुर से किया आगाज। सीएम योगी भी रहे मौजूद। विपक्ष पर किया जमकर हमला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा विलास का भी किया जिक्र। सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को एक बड़ी राहत। जातीय जनगणना के खिलाफ सभी याचिकाएं हुई खारिज। जारी रहेगी अब जातीय जनगणना। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने शुक्रवार को अपने 380 कर्मचारियों को बाहर निकालने की करी घोषणा। फूड डिलीवरी क्षेत्र के ग्रोथ रेट में लगातार कमी आने की वजह से लिया गया है यह फैसला। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख का जुर्माना। नियमों के उल्लंघन को लेकर हुई यह बड़ी कार्रवाई। एयर इंडिया के यात्री के द्वारा महिला से बदसलूकी मामले में डीजीसीए ने उठाया है यह कड़ा कदम। उड़ीसा के बौद्ध जिले में नशा तस्कर के साथ मिलीभगत के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को किया गया बर्खास्त। गांजा तस्कर को गांजे के साथ पकड़ने के बावजूद भी था छोड़ा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे सचिन पायलट ने फिर से अपनी ही कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा अभी भी वक्त है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करें तो होगा बेहतर। कुश्ती संघ और पहलवानों में तनातनी जारी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा देने से किया इनकार। कहा कि प्रेस वार्ता कर रखूंगा अपनी बात। और उत्तर प्रदेश के देवरिया में सड़क हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। परिजनों को दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए। आलू नदी ट्राली पलटने से एक किसान की हुई मृत्यु। 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। यूपी के महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र की है यह घटना। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए अजमेर में लगने वाले उर्स के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। 27 जनवरी को चलेगी अजमेर के लिए उर्स स्पेशल ट्रेन। और बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नई खेड़ी के समीप एक युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। मृतक दुर्घटना का हुआ शिकार, ऐसी जताई जा रही है आशंका। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में माफियाओं के हौसले बुलंद। माफिया पर कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हुआ हमला। कई कर्मी हुए घायल। पत्र माफिया ने वन विभाग की टीम पर किया हमला। बात पंजाब की। मुक्सर में जूतों के व्यापारी के घर पहुंची एनआईए। देश विरोधी गतिविधियों के संदेह में हुई दबिश। व्यापारी पंजाबी व लाहौरी जूते जूतियों का होलसेल का करता है बिजनेस। साध्वी यौन शोषण और पत्रकार छत्रपति रणजीत सिंह की हत्याकांड में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को मिल सकती है 40 दिन की पेरोल। सिरसा डेरे में रहने की जताई है गुरमीत ने इच्छा। और बात राजस्थान की। राजस्थान से एक बड़ी खबर। जोशीमठ जैसे दरक रहा है टोंक जिले का डिग्गी गांव। दहशत में लोगों ने खाली किए अपने घर। आधा दर्जन मकानों में आई है खतरनाक दरारें। और शराबबंदी वाले राज्य बिहार में एक नया कारनामा। महाबोधि मंदिर में चढ़ाने के लिए लिए जा रहा था एक व्यक्ति शराब। 10 ml शराब के साथ रूसी बौद्ध भिक्षु को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के राजधानी पटना में हुआ एक दर्दनाक स्कूल बस हादसा। बेली रोड फ्लाईओवर पर पिकअप वैन से टक्कर के बाद हुई 2 लोगों की मृत्यु। 4 शिक्षक भी हुए गंभीर रूप से घायल। बिहार के वैशाली में एक शादी समारोह में साथ में डांस नहीं करने पर 2 बदमाशों ने नाबालिग छात्रा पर पेट्रोल छिड़क कर उसे की आग के हवाले। गंभीर रूप से झुलसी छात्रा। पुलिस ने किया मामला दर्ज। और सूरजपुर के एक कॉलेज गली में लिव इन रिलेशन में रह रही एक युवती का मिला शव। पति को छोड़ प्रेमी के साथ रह रही थी युवती। लिव इन रिलेशन में रह रहा प्रेमी हुआ फरार। पुलिस ने दर्ज किया मामला। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से। भिलाई इस्पात संयंत्र के कमरे में शख्स ने करी आत्महत्या। कमरे का दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव। पुलिस ने प्रथम दृष्टया आत्महत्या का बताया मामला। छत्तीसगढ़ से जांजगीर चांपा में अवैध रेत उत्खनन पर एक बड़ी कार्रवाई। 16 ट्रैक्टर, 6 हाइवा और एक मशीन को किया गया जब्त। रेत माफियाओं में इस कार्रवाई के बाद मचा हड़कंप। और बात झारखंड की। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने करी समीक्षा। बोले झारखंड में 28% ग्रामीणों को जल जीवन मिशन के तहत पाइप से मिला पानी। झारखंड के पलामू में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। भागने में कामयाब हुए सभी उग्रवादी। मनातू थाना क्षेत्र के मिटार पिकेट के समीप बिसरावा जंगल में हुई यह मुठभेड़। और बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला मामला आया सामने। दुर्घटना के बाद महिला ने कार चालक को बोनट पर काफी देर तक घसीटा। 5 के खिलाफ पुलिस ने दर्ज करी FIR। उल्लास मुख्य सड़क के पास हुई यह दुर्घटना। आज के नॉन स्टॉप में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नॉन स्टॉप के एक नए शो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।